जमशेदपुर से जुड़ रही है हमारे साथ। अनी, देखिए, श्रम कानून को निरस्त करने की मांग और इसी को लेकर भूख हड़ताल। बिल्कुल आरती, और भी दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो तमाम ट्रेड यूनियन से वो एक साथ क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज कुछ लोग बैठे हैं, कुछ देर के बाद दूसरे लोग बैठेंगे और कल सुबह 10 से 3 खास तौर पर इंटक के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आएंगे और वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वो इसमें किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो बैनर लगाए हैं आप देख रही होंगी, उसमें लिखा हुआ है किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है, जो LIC के निजीकरण की तैयारियां चल रही है, इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो वो जो नए श्रम कानून है उसमें जो कुछ बिंदु है जिन पर आपत्ति है ट्रेड यूनियनों को, जो निजीकरण किया जा रहा है, जो किसानों के साथ जो बिल को लेकर जो भी अभी चल रहा है आंदोलन, इन सब को संयुक्त रूप से देखते हुए ये जो ट्रेड यूनियन है जो सेंट्रल, उसके आह्वान पर ये भूख हड़ताल है और ये 29 घंटे का है। कल भी सुबह से दोपहर 3 बजे तक जो बड़े बड़े दिग्गज है इंटक के वो बैठेंगे जमशेदपुर में साक्षी को चक्कर पर और फिर वो और तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। तो ये जिसकी आज से शुरुआत हुई है, कल इसका और आपको बड़ा रूप देखने को मिलेगा आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनी तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रेड यूनियन की क्रमिक भूख हड़ताल आज देखिए, साक्षी गोल चक्कर पर भूख